अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो रेसिपी है हमारी काली मिर्च चिकन की। जी फ्रेंड्स, मैं आज आपको काली मिर्च चिकन बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्रेडिएंट्स। सो फ्रेंड्स, काली मिर्च चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया हुआ है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया है। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से प्याज ले सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा चिकन है तो आप 3 से 4 भी प्याज कर सकते हैं। मेरी अप्रॉक्सीमेटली पूरी 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ की। एंड मैंने यहाँ पे डेढ़ चम्मच यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है एंड 30 grams ऑफ कर्ड लिया है। एंड जो मैंने पाउडर्ड मसाले लिए हैं वो है सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड काली मिर्च पाउडर, जो कि मैंने फ्रेशली अभी कूटी है। एंड यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, काली मिर्च चिकन बनाने के लिए सबसे पहला और बेसिक स्टेप ये है कि हम चिकन को अपना मैरिनेट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे मैरिनेशन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको प्याज दिखाई है, उस प्याज को हम अपना हल्का सा बिल्कुल पिंक कर लेते हैं पैन में, एकदम फ्राई करके। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमें। सी फ्रेंड्स, आपको अपनी प्याज सॉफ्ट करने के लिए एक पैन में ज़रा सा बिल्कुल ऑयल लेना है, ये देखिए 1/2 tablespoon के राउंड होगा। एंड इसमें अब हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। सी फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपनी इसमें प्याज ऐड कर देनी है, इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक कि हमारी ये प्याज सॉफ्ट हो रही है, हल्की सी पिंक हुई जा रही है, तब तक कि हम अपना जो चिकन है वो आपको मैरिनेट करके दिखा देंगे। एंड आप फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको अपनी प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। मैं दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल अपेयरेंस कैसी होगी। तब तक के लिए लेट्स मैरिनेट आवर चिकन। सो सी फ्रेंड्स, मैरिनेशन के लिए आपको अपना चिकन एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। मैंने जितने पाउडर्ड मसाले आपको दिखाए थे, ज़ीरा, काली मिर्च एंड नमक, वो हमने ऐड कर दिया है। और इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे एंड अब इसमें हम अपना दही ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो सी फ्रेंड्स, आई हैव मैरिनेटेड माई चिकन एंड आप देख सकते हैं मेरा जो मैरिनेशन पेस्ट था वो हर एक पीस पे अच्छे से लग गया है। एंड रही बात मैरिनेशन टाइम की फ्रेंड्स, तो आप इसको मैरिनेट करके फ़ौरन भी पका सकते हैं या 3-4 घंटे इसको फ्रिज में डाल भी सकते हैं, उसके बाद पकाइएगा, जैसा आपको फीजिबल हो। तो मैं यहाँ जब तक हमारी प्याज हो रही है तब तक इसको मैरिनेट होने देती हूँ, रख देती हूँ इस तरह से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। सो सी फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज थी वो अब अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है एंड इसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये। तो जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है तब हम इसका अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड हमारी ये जो प्याज है इसको हम पेस्ट फॉर्म में ब्लेंडर में पीस लेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे ऐड करनी है। फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज है अब वो सॉफ्ट होने लग गई है, बिल्कुल भूनने वाली है सारी। सो सी फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज थी अब वो सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इसका हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हुआ है। एंड अब हम इसको अपने ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड इसको अब हम पीस लेंगे पेस्ट फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, जब तक आपकी प्याज ग्राइंड हो रही है तब तक आप एक कढ़ाई लीजिएगा एंड उसमें इतना ऑयल ले लीजिएगा, या फिर तो अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल लीजिएगा। मैंने 1 kg चिकन लिया हुआ है तो मेरा ऑयल यहाँ पे 3 tablespoon के अराउंड है। एंड अब हम जब इसमें अपना चिकन फ्राई करेंगे, पूरा कुक करेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें और ऐड करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल जो है वो हीट हो चुका है एंड अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। सो सी फ्रेंड्स, हमारे जितने भी पीसेस थे अब हमने उनको ऑयल में ऐड कर दिया है फ्राई होने के लिए। अब जो हमने अपनी प्याज पीसी थी वो हम इसमें ऐड करके दिखाएंगे आपको। आपको इसको अच्छे से फ्रेंड्स स्टर कर लेना है प्रॉपरली प्याज डालने से पहले। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग जाए तब आप इसमें अपनी प्याज ऐड कर दीजिएगा।
सी फ्रेंड्स, मेरी जो प्याज थी उसको मैंने पानी डाल के हल्का सा तब पीसा है, तभी इस तरह से पेस्ट फॉर्म में आई है। एंड अभी मैं इसको आपको ऐड करके दिखाऊंगी। तो सी फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भुन रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। एंड इसका जो कलर है वो भी अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एंड अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी प्याज ऐड कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी है प्याज की, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में। एंड इसको हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम आपको अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स, मसाले, जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे वो ऐड करके दिखाएंगे। सो सी फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से अब प्याज के साथ भुन रहा है। एंड अब हमारे जो फाइनल स्टेप्स में इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो हमारी पिसी हुई काली मिर्च है जो हमने फ्रेशली कूटी थी, एंड हम अपना थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करेंगे। एंड फाइनल स्टेप में हम थोड़ी सी मिल्क क्रीम इसमें ऐड करेंगे अभी, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ें ऐड करके भी दिखाऊंगी एंड फाइनल अपेयरेंस भी दिखाऊंगी अपने चिकन की। हमने अपनी काली मिर्च ऐड कर दी है, आधे स्पून के अराउंड ज़ीरा ऐड किया है। सॉल्ट फ्रेंड्स हमने मैरिनेशन में ही ऐड कर दिया था तो इसमें टेस्ट है। एंड अब हम अपनी मिल्क क्रीम ऐड कर रहे हैं, इन सबको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करके स्टर कर लेंगे सारी चीज़ों को हम, ताकि ये इक्वली ब्लेंड हो जाए इवनली हमारे चिकन के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है पूरी इंग्रेडिएंट्स की। एंड फ्रेंड्स, वन मोर सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, अगर आपको इसमें बहुत अच्छे से स्मेल चाहिए तो आप हाफ स्पून इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं पिसा हुआ, ये देखिए। आप नहीं भी डालेंगे फिर भी आपका जायका आएगा, लेकिन मुझे मुगलई में थोड़ा सा स्पाइसेस स्ट्रॉन्ग पसंद है, इसलिए मैं अरोमा के लिए अपना गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, हमारा काली मिर्च चिकन बिल्कुल रेडी होने वाला है, अब बस ये 7 मिनट्स तक ही इस तरह से कुक होगा, देन ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी कि हमारा काली मिर्च चिकन कैसा उतरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पक रहा है, सिंस हमारा जो फ्लेम है वो बहुत अच्छे से लग रहा है इस पर, मैंने बिल्कुल भी मीडियम नहीं किया हुआ है तो इसलिए ये अब देख सकते हैं इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। अब जब ये फाइनल कुक हो जाता है तब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो सी फ्रेंड्स, आवर चिकन काली मिर्च इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। एंड आप देख सकते हैं ये कितना लाजवाब बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये अपेयरेंस वाइज। सो आप लोग भी मेरी रेसिपी से फ्रेंड्स काली मिर्च चिकन ज़रूर बनाइएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी काली मिर्च चिकन की। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, प्लीज़ कीप लविंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।